दूसरा एक जेड़ा आ पिछले दिनों में जगदीश टाइटलर जिन्हों दिल्ली दे विच ओ दिल्ली दे जेड़ी नसलकुशी दे विच उन्हां केसां दे विच काल कीता सी उस केस की पैरवी भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही आ। दिल्ली वाले तो हाथ खड़े कर गए हुण अख खुली आ जिले बेल हो गए भी असीं जावांगे हाई कोर्ट च वह भी असी फैसला किया भी जी सा बीबी लखविंदर कौर जी इस केस की आई विटनस आनू इंसेंटिव भी देवे ता कि बेचारी का वह कोई साधन नहीं रोजी रोटी का तो केस की पैरवी भी हाई कोर्ट च करा असी पहला लोअर कोर्ट के थर्डी कोर्ट के पैरवी की यह भी अज जो चेचे तौर पर एक जो सा फैसला होया। सो जी सब तो वड्डी एक सिख परंपरावां नूं सट मारन दी अज कोझी जतन कीती जा रही है वो आ महाराष्ट्र की सरकार वालों यह जतन करना कि सचखंड श्री हजूर अबचल नगर नंदेड़ उत्थे जिहड़ा इन्हें प्रशासक लाया वो प्रशासक जिहड़ा आ वो गैर सिख ला दिता गया। पहला डॉक्टर पसरीजा लगे सी सानू इस गल की तसली सी कि सिख के तौर पर पहला भी उत्थे सेवा निभाउंदे रहे ते मैं सी समझदे पई ये तख्त की माण मर्यादा ते उस मर्यादा की भी उलंघना आ क्योंकि वह पवित्र तख्त सचखंड श्री हजूर साहब जिथों सतगुरु जी ने गुरता गद्दी बख्शिश की धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं वो स्थान है जिथों सतगुरु जी ने आप सचखंड प्याना किया ज्योति जोत समाए। सो ये असी समझते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार वालों गैर सिख प्रबंधक ला के ये मर्यादा का उलंघन नहीं किया सिख मसलियां दे विच सीधी दखलदाजी की आ ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी महाराष्ट्र की सरकार नूं पहला असी ईमेल चिट्ठी भी लिख चुके हैं अज एग्जैक्टिव ने भी यह फैसला किया कि यह फैसला तुरंत वापस लिया जाए क्योंकि इस फैसले दे नाल समुचा सिख भाईचारा जिहड़ियां उहदियां फीलिंग्स आ वो इंजर हो।